हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम लोग एक नए सेमेस्टर का शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत प्रारंभ हम लोग का एक नए तरीके से होगा। और ये नया तरीका क्या हो सकता है, तो ये सेमेस्टर है आपका फोर्थ और ये सेमेस्टर आपको ये डिसाइड करके बताएगा कि आगे आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज का मेरा पेपर होगा, टोटल 5 सब्जेक्ट में एक पेपर है माइक्रो कंट्रोलर इट्स एप्लीकेशंस। अभी के दौरान का सबसे कहे जाने वाला कि सबसे चहेता पेपर इस को सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अंदाज नहीं लगा सकते। तो ये सेमेस्टर हम नए अंदाज में शुरुआत करेंगे, एक नए जोश और नए जुनून के साथ आप सभी स्टूडेंट को स्टार्ट करना है। थर्ड सेमेस्टर में जो कुछ कमी हुआ, थर्ड सेमेस्टर में जितना भी आपने गलती किया उस सारे चीज को भुला कर करके इस सेमेस्टर को स्टार्ट करना है। ये सेमेस्टर आप लोग को डिसाइड करेगा बाबू कि आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इन तीनों सेमेस्टर का डिसाइड जो होगा आपको ये फोर्थ सेमेस्टर करेगा। सर, फोर्थ को इसमें आप इंक्लूड क्यों किए? फोर्थ इसलिए इंक्लूड किए कि बहुत सारे पेपर फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का मिलते जुलते हैं थर्ड से। तो अगर आपने थर्ड नहीं पढ़ा है, आपने थर्ड का नोट्स अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाए थे, तो इसके बिना आगे नहीं चलने वाले हैं, इस सेमेस्टर फोर्थ नहीं पढ़ने वाले हैं। अब कैसे सर, क्यों सर? इस सब का सॉल्यूशन, इस सब का जवाब आज का टॉपिक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे और भी बताएंगे, तब तक के लिए मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो, मेरा नाम राजन सुवर्मा, मेरा क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो डिप्लोमा जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम जो किए हैं आपसे एक स्टेज आगे हैं, इसका नाम है बीटेक। ठीक है, ये दोनों हम जो किए हैं, जो मेरा ब्रांच है वो आपको लोग सेम ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सर, इस पेपर को आप पढ़ा कितने बार रहे हैं? तो इस पेपर को अगर इनडायरेक्टली वे में आपको बताएं तो 8th टाइम, यानी 8वां टाइम इस पेपर को हम पढ़ाने जा रहे हैं। सर, 8 बार आपने पढ़ा दिया? सच में सर, या ऐसे ही बता रहे हैं? नहीं, सच में ये पेपर को हम हर ईयर पढ़ाते हैं। सर, आपने हर ईयर कैसे बोल दिया? सर, तो इलेक्ट्रिकल में भी इस पेपर को पढ़ना है बाबू, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस पेपर को पढ़ना है। कंटिन्यू 2020 से इस पेपर को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 20, 21, 22, 23 अभी जस्ट ही आपके इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ा करके आए हैं, फिर आपको पढ़ाने हैं। इससे पहले हम थर्ड सेमेस्टर आपके सीनियर को पढ़ा चुके हैं, उससे पहले आपके आपके सीनियर को पढ़ा चुके हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में पढ़ा चुके हैं। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आना इस बात के, तो दिमाग से ही निकाल देना है आपको। सर, इतना बार आप पढ़ाए तो आपको तो सब याद ही होगा। हाँ, याद है, आप लोग को भी याद हो जाएगा। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो कि कैसे याद करेंगे, लेकिन हाँ, नए जोश, नए जुनून के साथ आपको सेमेस्टर को शुरुआत करना होगा। अब तक इस वीडियो को आप शेयर नहीं किए हैं, तब तक अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को नहीं पहुंचाए हैं, तो आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को पहुंचा दीजिए, फ्रेंड के पास भेज दीजिए, बता दीजिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस में नए सेमेस्टर का आगाज हो चुका है। और इस नए सेमेस्टर का आगाज के लिए आप लोग एक अहम हिस्सा होंगे, आप लोग के लिए आगाज किया गया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरा होगा सिलेबस इंट्रोडक्शन का, सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर में क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या हमारा सोर्स ऑफ स्टडी होगा। तो आपको बता देते हैं सोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा। अलग कुछ भी पढ़ने का ट्राई नहीं करना है, किसी के चक्कर में नहीं रहना है कि ये पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये कर लो, वो भी कर लो, तो हम बहुत अच्छे कर जाएंगे। कुछ नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि हमारा सोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा। सोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, सोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा, तो आपको बता दें, सबसे पहला सोर्स ऑफ स्टडी क्लास नोट्स होगा। जो आपको हम पढ़ाएंगे उस नोट्स को आपको पढ़ना होगा, फर्स्ट अपर क्लास नोट्स। दूसरा क्या होगा सर? PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरा क्या होगा? तो कुछ VVI क्वेश्चन समझेंगे वो होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन MCQ प्लस सब्जेक्टिव आपको मिलेगा, MCQ प्लस सब्जेक्टिव। सर, इस
सब्जेक्ट का आगे फोर्थ और फिफ्थ में कोई यूज है क्या सर? तो इसका यूज आपको बता दे कि फिफ्थ सेमेस्टर में आप जैसे ही जाएंगे वहां एक पेपर पढ़ना है एम्बेडेड सिस्टम। क्या पढ़ना? एम्बेडेड सिस्टम पढ़ना। इस एम्बेडेड सिस्टम में आपको मोस्टली माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का चीज यूज होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको सी के बारे में पढ़ना है, सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट जो बनाया गया है ये सी लैंग्वेज से बनाया गया है, सी लैंग्वेज प्लस आर्डुइनो, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता जुलता है आपको माइक्रो कंट्रोलर से। आर्डुइनो एक प्रकार का क्या है? आपको माइक्रो कंट्रोलर है। अगर माइक्रो कंट्रोलर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आर्डुइनो में किस तरह से दिक्कत ना होगा। प्रोग्रामिंग जो हम लोग करेंगे आर्डुइनो में वो प्रोग्रामिंग करेंगे सी का, तो सी भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो फिफ्थ में किसी भी तरीका से कोई अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, अलग बस आर्डुइनो बोर्ड होगा, उस आर्डुइनो बोर्ड पे ये काम हम लोग कर पाएंगे। क्या सर इसके आगे भी कुछ यूज है क्या? अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या सर इसका यूज आगे भी है क्या, तो इसका जवाब आएगा, आंसर आएगा कि यस इसका आगे भी यूज है। क्या है सर? तो आपको पढ़ना है सिक्स सेमेस्टर। सिक्स सेमेस्टर में एक पेपर का नाम है मेकाट्रॉनिक्स। क्या नाम है? मेकाट्रॉनिक्स नाम है एक पेपर को। इस मेकाट्रॉनिक्स में पूरी तरीका से माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर आपको क्या करना है? पढ़ना है। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या और भी आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक है ना, उन सारे चीजों पर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, उन सारे चीजों पर हम यहाँ पे आपके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो फोर्थ सेमेस्टर आपका है, इस फोर्थ सेमेस्टर को इतना बेस्ट बना लें, इतना अच्छा बना लें, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लें कि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर आपके सामने काफी आसान लगने लगी, और आसान लगेगा। और आपको बता दे कि आगे चल करके एम्बेडेड सिस्टम भी हमें पढ़ाएंगे और मेकाट्रॉनिक्स भी हमें पढ़ाएंगे, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपका यूज कौन सा होगा? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप ही अच्छे से आपने पढ़ा होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पे नंबर सिस्टम खास करके आपने पढ़ा होगा, फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़ा होगा, वहां पे रेसिस्टर आपने पढ़ा होगा। अगर इन तीनों आपने पढ़ा है तो इसका रिवीजन जरूर आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इन तीनों टॉपिक का यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा सोर्स ऑफ स्टडी होगा और बेनिफिट ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का क्या बेनिफिट ये होने वाला है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देर ना करते हुए, क्लास में तो बहुत सारे चीजें बात करते ही रहेंगे, लेकिन देर ना करते हुए अपने टॉपिक को चलते हैं। और वो टॉपिक हम लोग को है क्या है, चार यूनिट टोटल पढ़ा, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर। आपको बता दे बाबू, इन चार यूनिट में पहले एक सिलेबस दिया था आपके सीनियर का जो पढ़ना था, वहां पे जो सिलेबस था उस सिलेबस मॉडिफाई करके ये सिलेबस को बनाया गया है जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक सख्त आग्रह होगा, चाहिए प्यार समझिए या धमकी समझिए, सख्त आग्रह, इसको बोला जाता ना कि इसमें कोई किसी भी तरीका से तनिक सा भी रियायत आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या है वो सर? तो आप लोगों को है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट है, आपको हम ये वीडियो पूरा का पूरा देंगे। माइक्रो प्रोसेसर पहले पढ़ने का ट्राई करेंगे, तीन दिन में, चार दिन में आप नोट्स बनाइएगा या नहीं बनाइएगा, नोट्स हम आपको दे देंगे, नोट्स प्रिंट करवा लीजिएगा, लेकिन बाबू माइक्रो प्रोसेसर जरूर पढ़ेगा। इसके बिना आप माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे तो हमें लगता है काफी दिक्कत होने होगा आपको। और ये सिलेबस से हटा चुका है आपको, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में एक ही चीज मेंशन किया यूनिट वन में आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कहीं नहीं आपको पढ़ने को बोला है, और हम बोलेंगे कि कम से कम 8085 माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ लेंगे, कम से कम 8085 पढ़ लेंगे बाबू। अगर ये पढ़ लेते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर आपको काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा वीडियो हम आपको देंगे, और एप्लीकेशंस पे ये वीडियो है, हम आपके लिए कोर्स ला चुके हैं। आप कब आ रहे हैं हमारे यहाँ, जितना देर करेंगे उतनी देर आपके बीच में और सिलेबस के बीच में डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस तब तक होगा
जब तक आप कोर्स को परचेज ना करेंगे, आप कहीं भी पढ़िए लेकिन आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे का रीजन, अपने सीनियर से गाइडेंस लें, सुपर सीनियर से गाइडेंस लें, सारे कॉलेज में जो टॉपर रिजल्ट देने वाले हमारे ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ही है। आप लोग को बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएगा जो हम टॉपर दिए हैं, ब्रांच टॉपर के साथ साथ कॉलेज टॉपर भी हम लोग दे चुके हैं। तो आपको यहाँ पढ़ना चाहिए, क्यों, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ये, और स्पेशल का मतलब ही कुछ अलग होता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन तो हम पढ़ाएंगे बाबू, साथ ही कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नो डाउट होगा। और इसके बाद हमारा MCS 51 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली, यानी यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने वाले हैं, इसी का MCS 51 फैमिली बोला जाता है। इसका फीचर देखेंगे, ठीक है, इसका पिन डायग्राम देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू 805 माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर देखेंगे, कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से चीजें इसमें लगेंगे, ठीक है, इसमें क्या मेमोरी होता है, अगर मेमोरी होता है तो मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या रैम मेमोरी होता है, रोम मेमोरी होता है, क्या चीजें ऐसा होता है, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। स्पेशल फंक्शन कुछ रजिस्टर होता है जो स्पेशल कामों के लिए किया जाता है, साथ ही साथ इसका आर्किटेक्चर यानी ब्लॉक डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम बना करके इन सारे चीजों को बात करेंगे। क्या इस माइक्रो कंट्रोलर जब आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, इसमें कुछ पोर्ट होंगे, कुछ इनपुट पोर्ट होंगे, आउटपुट पोर्ट होंगे, उसमें कुछ मेमोरी इंटरफेसिंग होगा जिसमें इनपुट से आउटपुट में हम मेमोरी इंटरफेसिंग करेंगे, ठीक है। और तो इन सारे चीजों को यूनिट 1 में हम लोग बेसिकली पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज काफी इजी होंगे, सारे चीज एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जाएगा, लैपटॉप मेमोरी मोबाइल फोन कैमरा ये सबसे लेटर जो चीजें होंगे एग्जाम्पल देकर के आपको बताया जाएगा, यूनिट 1 में है ये। यूनिट 2 पूरी तरीके से आपको प्रोग्रामिंग का पार्ट है, यूनिट 2 में आप कहीं भी ये ना देखेंगे कि बिना प्रोग्रामिंग का हम लोग कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं, इसमें पूरी तरह से प्रोग्रामिंग है, जिसमें आपको एड्रेसिंग मोड सबसे पहले पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना है, जिस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम किसी कामों को करते हैं वो इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना है, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना है, टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड पढ़ना है, जिसमें टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड में आपको 4-5 तरीका का एड्रेसिंग मोड पढ़ाएंगे, तो लेक्चर वीडियो में पूरी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया है टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट का टाइप दिया, डेटा ट्रांसफर, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, सिंगल बिट इंस्ट्रक्शन विद सूटेबल एग्जांपल के साथ आपको पढ़ाना है, तो ये इंस्ट्रक्शन कैसा होता है, क्या होता है, इन सारी चीजों को आपको बताया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ परेशानियां आते हैं, जब कुछ काम करते रहता है हमारा कंप्यूटर, हमारा माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस, तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है जिसको हम लोग इंटरप्ट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि इंटरप्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उसके बाद क्या इंटरप्ट को हम हैंडल कर सकते हैं, इजीली से हैंडल कर सकते हैं, ये चीजों को पढ़ना होगा। उसके बाद टाइमर काउंटर हम लोग को पढ़ना होगा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैक पॉइंटर भी यहाँ पे पढ़ना है, स्टैक पॉइंटर में पुश ऑपरेशंस क्या होता है, पॉप ऑपरेशंस क्या होता है, हाउ कैन बी यूज अ स्टैक पॉइंटर इन अ माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोकंट्रोलर में हम लोग स्टैक पॉइंटर कैसे यूज करते हैं, इन सारे चीजों को भी यहाँ पे पढ़ना है, तो यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 3 भी आपको बता दे कि पूरी तरह से प्रोग्रामिंग है, और यूनिट 3 पता नहीं क्यों कैसे सिलेबस का डिजाइन किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से काफी सारे चीजें यूनिट 2 में पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे पूरी अच्छी तरीके से, इंटरप्ट हम यूनिट 2 में पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग मॉडल यहाँ पे बताया जाएगा, जिसमें ऑपरेंड, ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड, इन दोनों हम लोग यूनिट 2 में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। इनमें डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक ग्रुप, ये सब का जो प्रोग्रामिंग है ये भी हम लोग यूनिट 2 में पढ़ लेंगे, यानी सेपरेट हम यूनिट 3 में सिर्फ प्रोग्राम करेंगे। टाइमर काउंटर प्रोग्रामिंग हम यूनिट 2 में ही पढ़ लेंगे, इंटरप्ट प्रोग्रामिंग यूनिट 2 में ही पढ़ लेंगे, यानी ये पूरे टॉपिक को हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। और यूनिट 3 में सर क्या करेंगे, तो इसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग करेंगे, वहां पे हम लोग थ्योरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी और सारे चीजें क्लास के दौरान बात होते रहेगा, तब तक के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे। यूनिट 3 में आपको प्रोग्रामिंग पूरी तरीके से पढ़ना है, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है सर, यूनिट 4 आपका लास्ट यूनिट होगा, यूनिट 4 में इंटरफेसिंग पढ़ना है कि अगर हम माइक्रो कंट्रोलर है तो क्या इस माइक्रो कंट्रोलर को कीबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग ADC से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग टेम्परेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या UART से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या सर
बहुत सारे चीजें होगा, टाइमर काउंटर स्टेपर मोटर स्टेप डीसी मोटर एलसीडी सेवन सेगमेंट डिस्प्ले, इन सारे से कनेक्शन हम यहाँ पे करके देखेंगे, सारे चीज को करके आपको बताया जाएगा। तो ये आपका था यूनिट 4 और इसी तरीके से आपको 4 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4। ये बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, आप लोग चाहो तो बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग होगा लेकिन सारे सब्जेक्ट से अलग होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अभी के मॉडर्न टाइम में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस जेईई के लेवल में पूछा जा रहा है, इंटरव्यू में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो हर एक जगह इससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। आई होप आप सभी स्टूडेंट ये आप समझे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देंगे कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस नए सेमेस्टर का आगाज कर चुका है, नए सेमेस्टर का शुरुआत कर चुका है, आप लोग कब करेंगे इसके लिए वेट करें। और ये आगाज आप लोग के लिए है, जितना ज्यादा आप लोग करेंगे उतना बेहतर होगा और आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है ये, आपको बेस बनाने का इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है, तो आगे 5th और 6th इसी बेस पे आपको काम होना है। तो डिजिटल अपने रिविजन कर लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, बाकी और 3rd का सब्जेक्ट आगे बताएंगे, और भी सब्जेक्ट है वहां पे आपको बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और यही आशा और विश्वास के साथ इस सेशन को हम समाप्त करेंगे कि आप हर ओवर स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तो आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू।